राठौर धर्मशाला में भागवत कथा महापुराण का आयोजन दिनांक 27 सितंबर 2021 से 3 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा, जिसके प्रथम दिवस सुबह से श्री राम मंदिर परिसर में महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर कलश यात्रा एवं मुख्य यजमान कन्हैया लाल राठौड़ ने अपने सिर पर भागवत जी लेकर धूमधाम से पूरे नगर में भ्रमण कर राठौर धर्मशाला पहुंचे, जहां राजेश राठौर स्वर्गीय परस राम जी परिवार और समाजजन ने कलश यात्रा व श्रीमद भागवत कथा का पूजन अर्चन कर जल से भरे हुए गुंडी में सिक्का डालकर प्रवेश कराया। कथा मंडप के सम्मुख अध्यक्ष बंसीलाल ने परिवार सहित कथाव्यास पंडित दीपक उपाध्याय को विराजमान कराया। वहीं दूसरी ओर पंडित बद्रीलाल उपाध्याय एवं साथ ही में पंडित जगदीश शर्मा ने विधि विधान से वेदिका का निर्माण कर यजमान से पूजन अर्चन कराकर श्राद्ध पक्ष में देवी देवताओं का आवाहन किया। शोभा यात्रा में वालीपुर सरकार गुरुदेव योगेश जी महाराज ने भी पधारकर कलश यात्रा की शुभ बढ़ाई एवं भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। पूरी शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र अत्याधुनिक बैंड बग्गी महिलाओं और पुरुषों का एक ड्रेस कोड में होना आदि रहा। Oh,
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जोबट से मुकेश राठौर की रिपोर्ट।